हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं SBS मार्टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे फोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करते हैं। जी हाँ गाइज, अगर आप मोबाइल रीसेट किए हैं या फिर फोन पे अनइंस्टॉल कर दिए थे तो आप फिर से लॉगिन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद देख सकते हैं मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो मैं इसे ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर से पहले आप लॉगिन किए थे या फिर जो आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में लिंक है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लिए, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वो OTP अगर मोबाइल में लगा हुआ है तो वो सिम मोबाइल में लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा देर लोडिंग होगा, यहाँ पर लोडिंग। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अलाउ फोन पे टू एक्सेस योर कॉन्टेक्ट, तो अलाउ कर देना है। और इसके बाद अलाउ फोन पे टू एक्सेस द डिवाइस लोकेशन, यहाँ पर भी अलाउ कर दीजिए। और अलाउ फोन पे टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल, यहाँ पर भी अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर इनेबल स्क्रीन लॉक, उसके बाद डू इट लेटर। अगर आप स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं फ़ोन पे में तो इनेबल कर लीजिए, अदरवाइज डू इट लेटर कर लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिए। और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक अगर है तो उसे एक्टिव कर लेंगे, अगर नहीं है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो बैंक अकाउंट लिंक कैसे करेंगे, तो नीचे में माई मनी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, माई मनी पर क्लिक करना है। माई मनी पर क्लिक करने के बाद UPI का ऑप्शन दिख जाएगा, देख सकते हैं UPI बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट पहले से लिंक होगा यहाँ पर शो हो रहा है। अगर अदरवाइज आपका लिंक नहीं है तो आप लिंक करना चाहते हैं तो नीचे में ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके जो भी आपका बैंक है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल वेरीफाई होगा, उसके बाद लिंक हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ पर क्लिक करके चेक बैलेंस पर क्लिक करके एक्टिव कर लीजिए। जो सिम है उससे आप वेरीफाई कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल है तो मैं कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर SMS सेंड हो चुका है, अब मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, अब यहाँ पर बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।